हेलो फ्रेंड्स, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जो भी हमने पहले किया है उसका हम आज यूज करके देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैथ्स के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और जनरल नॉलेज के वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब पवन वाघ एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो है वो यूज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है। अब एलसीएम और एचसीएफ का डेली लाइफ में क्या यूज है वो हमको ये एक्सरसाइज बताने वाली है। तो इसमें अगर आप एक्सरसाइज पे जाते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है चूज द राइट ऑप्शन। तो आपको वहां करना क्या है, HCF ऑफ 120 और 150 आपको निकालना है। तो 120 और 150 का HCF आप इजीली निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे आपको उसमें मदद करने की जरूरत है क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हुआ है उसमें। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट में सेकंड कि HCF ऑफ द पेयर ऑफ द नंबर इज 1। अब मुझे बताइए कौन से नंबर का पेयर, कौन सा जो पेयर है उसका HCF 1 होगा। सीधी सी बात है, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, पहला नंबर है 13 और 17, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, यही नंबर है वो। दिस इज द आंसर। व्हाई? बिकॉज़ 13 एंड 17 बोथ आर प्राइम, और प्राइम नंबर का HCF, जैसा कि मैंने आपको बताया है हमारे रूल में कि HCF ऑफ द प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, तो दोनों के दोनों प्राइम है तो उसका आंसर 1 आएगा। अब अगला अगर आपको चेक करना है तो अगला देखिए, सेकंड 29 और 20 भी जो है उसका भी HCF 1 आने वाला है क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, एक प्राइम है और एक कंपोजिट है, एक इवन है और एक ऑड है, तो वहां पेयर नहीं बनते। थर्ड वाला 40 और 20 का जो है 20 के टेबल में 40 आता है तो वो तो वहां पर कॉमन फैक्टर तो 20 ही हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी है। सो दिस नंबर इज नॉट, ये पेयर वो नहीं है कि जिसका HCF 1 हो। ओके, और फिर 14 15, यस, इसका भी जो HCF है वो 1 है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड दी HCF एंड LCM। अब देखिए क्वेश्चन यहां ऐसे आ रहे हैं कि आपको HCF और LCM दोनों के दोनों फाइंड करना, तो आप दोनों फाइंड कीजिए वन बाय वन, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो देख रखा है 21 49 और 84, उसको हम करते हैं 21 49 और 84, इसका हमको HCF LCM दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड से न करके हम इसको सिंपल जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे हम दोनों निकाल लें तो हमको सिंपल पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले हम 21 के फैक्टराइजेशन करते हैं। 21 इज ऑड नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 2, सो विल डिवाइड बाय 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7। देन 49 अगेन इट इज ऑड नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम ऑफ द 4 एंड 9 इज 13। 4 और 9 का अगर प्लस करते हैं तो 13 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 49 भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से, 5 से भी नहीं होगा, 7 7s are 49। और 84 है, 84 इज इवन नंबर, सो डिवाइड बाय 2, ओके 2 से डिवाइड किया तो इट इज 4, इट इज 2, देखिए 8 का हाफ 4 का हाफ, अगेन 2, इट इज 21 हो गया। तो जो यहां पर किया है वही आपको यहां करना है, देखिए 3 से डिवाइड किया है ये आ गया 7, 7 से डिवाइड किया ये आ गया 1। तो अब इनके हम सारे पे फैक्टर्स लिख लेते हैं जितने नंबर्स हैं। 21 का हो गया 3 into 7, ओके 49 हो गया 7 into 7, और 84 हो गया 2 into 2 into 3 into 7, ओके। अब हम इसका HCF लिख लें, तो HCF क्या है इसका, HCF इज जो नंबर कॉमन होगा तीनों में, यहाँ देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 7 7 और 7, इसका HCF हो गया 7। और अब जो बचा है आपको उसकी मदद से आप उसका LCM निकाल सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लो, 21 49 84। अब इसको आप डिवाइड किससे करोगे, 84 है डिवाइड बाय 2, ये 42 आएगा, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए 21, फिर 2 से डिवाइड कीजिए ये हो गया 21, ये 21, ये 49, 21 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो डिवाइड बाय 3, You'll get 7 here, here also 7, and 49 को आपको ऐसे ही लिखना है, then divide by 7, you'll get 1, 1 and 7, again divide by 7,
यू गेट 1 ईयर। तो आपको HCF LCM क्या मिला इसका, इसका LCM हो गया 2 × 2 × 3 × 7 × 7 मीन्स 2 × 2 = 4, 3 = 12 और ये हो गया 4 × 7 = 49। 49 × 12 करना है आपको, तो एक काम कीजिए 12 × 9 = 108 कैरी 10, 12 × 4 = 48 × 10 = 58 तो 588 इसका LCM आ गया। अगर आप चाहे तो इस मेथड से भी आप LCM निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो दोनों में है वो लिख लिया, और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए 3 यहां पर रिपीट हो रहा है तो 3 को भी लिख लीजिए, फिर जो बचे हैं उसको लिख लीजिए 7 × 2 = 2। देखिए आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, 7 × 7 = 49, 3 × 2 = 6 × 2 = 12। ये देखिए वापस वही मल्टीप्लाई आया, तो आंसर भी यहां पर वही आएगा 588। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप सेपरेट करना चाहे सेपरेट कीजिए, आप इफ यू वांट टू डू इट कलेक्टिवली यू कैन डू इट दैट। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो सेकंड में लास्ट था वो हो गया। थर्ड में भी आपको लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, 24, 40, 80 और 120, तो उसको अगर आप देखना चाहे तो उसको देख लेते हैं। अगर आपको इसको लिखना है तो टेक द स्नैपशॉट ऑफ योर मोबाइल फोन। अब जो क्वेश्चन थ्री में जो फिफ्थ दे के रखा है हम उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 24, 40, 80 एंड 120। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, देन डिवाइड बाय 2, इट विल बी 12, डिवाइड बाय 2, इट इज 20, डिवाइड बाय 2, इट इज 40, डिवाइड बाय 2, इट इज 60। ओके, देन अगेन यू डिवाइड बाय 2, इट विल बी 6, 10, 20, 30, देन अगेन डिवाइड बाय 2, इट इज 3, 5, 10, 15, सबको हाफ करते जा रहा हूँ, देन अगेन डिवाइड बाय 2, इट इज 5, 5 as it is, 3 as it is, 15 as it is, देन डिवाइड बाय 3, यू विल गेट 1, 5, 5, 5 एंड डिवाइड बाय 5, 1, 1, 1, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 3 × 48 = 5 = 240, इसका आंसर आएगा 240। तो इस तरह से इसको करना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, आप फटाफट इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 गिव्स द रिमाइंडर 5। 8, 9, 10, 15, 20 ऐसे नंबर देके रखे हैं कि आप इससे डिवाइड अगर करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है 5। अब इसको कैसे करना है, तो पहले जो नंबर देके रखे हैं, इट इज डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 8, 9, 10, 15, 20। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, एंड देन वी हैव टू ऐड 5 एज इट इज गिवन इन द एग्जांपल, और उसी तरह से हम उसको निकालेंगे भी। तो एक काम करते हैं, इसका पहले एलसीएम निकालते हैं, विल डिवाइड बाय 2 हियर, इट इज 4, ये डिविजिबल नहीं है, 9 को एज इट इज लिख दो, ये डिविजिबल है 5 times, 15 नहीं है, ये हो जाएगा 10 times। अभी इवन है यहां पर दो नंबर, डिवाइड बाय 2, इट इज अगेन 2 एंड इट इज 5। बाकी जो नंबर है उनको आप एज इट इज लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, आपके समझने के लिए उसको मैं उसी कलर में लिख लेता हूं, अलग कलर में लिख लेता हूं, ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि इसको आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू डिवाइड बाय 2 हियर, तो इट इज 1, ये 9 एज इट इज, ये 5 एज इट इज, ये 15 एज इट इज, 5 एज इट इज। नाउ यू डिवाइड बाय 3, तो ये 3 से 3 टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा, ये 5 और ये 5। देन अगेन यू डिवाइड बाय 3, इट इज 5, 5, 5, ये 5 डिवाइड नहीं हो, बाकी तो ये डिवाइड हो गया, देन डिवाइड बाय 5, यू विल गेट 1, 1 एंड 1। तो व्हाट इज द HCF, सॉरी व्हाट इज द LCM, LCM क्या आया इसका, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 4 × 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, 72 × 5 = 360। तो इस तरह से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, और द रिक्वायर्ड नंबर आपको नीचे लिखना है, द रिक्वायर्ड नंबर इज, और द नंबर इज, द रिक्वायर्ड नंबर इज 360, में आपको 5 प्लस कर देना है तो आपको मिलेगा 365। अभी आपको डाउट है कि सर हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, 365 को पहले 8 से डिवाइड कीजिए, आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा। ओके, आप 9 से डिवाइड कीजिए, आप 10 से डिवाइड कीजिए, आप 15 से कीजिए, आप 20 से कीजिए, हर केस में आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा। आपको अगर डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं।
तो इस तरह से क्वेश्चन देखे रहेंगे। क्वेश्चन 5 है रिड्यूस द फ्रैक्शन, ये हमारा प्रैक्टिस सेट में हम पहले कर चुके हैं, ये हमारे एक्सरसाइज में देखे रखा था। फिर 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन क्या देखे रखा है हमको कि दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज गिवन एंड वन नंबर इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 765, मतलब दो नंबर है उनका 765 देके रखा है प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट देके रखा है, एक एचसीएफ देके रखा है, आपको एलसीएम निकालना है। 8वां क्वेश्चन है अ ट्रेडर हैज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर 308 मीटर 490 मीटर, ओके व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द बंडल कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। आपको क्या करना है इसमें, कैसे आप निकालोगे, आपको अगर इसका आंसर निकालना है तो सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इसमें फाइंड करना पड़ेगा एचसीएफ, आपको जो तीनों नंबर देके रखे हैं आपको उनका एचसीएफ निकालिए, यू विल गेट द आंसर। अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं, विच टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैव एलसीएम 180, दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैं और उनका एलसीएम 180 देके रखा है। तो पहले तो हम एक काम करें, सपोज टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर 2x एंड 2x प्लस 2, ओके, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x एंड 2 कॉमन करके x प्लस 1, ओके, इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए आप यहां पर वो क्या बता रहा है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर अगर होते हैं तो उसका एचसीएफ जो होता है वो 2 होता है। हमने पीछे देखा है कि जो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होंगे उसका एचसीएफ हमेशा 2 होगा, और हमें एलसीएम क्या देके रखा है, हमें एलसीएम देके रखा है 180। तो हम यह लिखे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहां लिख दीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हो जाएगा 2 इंटू 180, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो प्रोडक्ट क्या है वो है 2x इंटू 2 एक्स प्लस 1, ओके। अब देखिए 2 से 2, अब देखिए एक काम करते हैं, ये दोनों 2 को मैं इसके अपॉन में देता हूं, यहां बचेगा एक्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 2 इंटू 180 अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 2 कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए कितनी बार 90 टाइम्स, तो x और x प्लस 1 कितना आया 90 आया। अब मुझे बताइए दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई 90 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं x x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये 9 हो गई। तो हमें जो नंबर फाइंड करना थे वो क्या थे, वो थे 2x एंड 2x प्लस 2, तो x की जगह पे आपको क्या लिखना है 9 लिखना है, 2 इंटू 9 और 2 इंटू 9 प्लस 2, सो ये हो गया 18, और ये हो गया 18 प्लस 2, तो ये हो गया 18 एंड 20। तो इस तरह से आपको इसको फाइंड करना है। कुछ लोगों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां पर 360 ले लें और 360 फिर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देख लें ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो एचसीएफ का चैप्टर है आज एंड हो रहा है, और इसके लिए मैं आपको कुछ एक वर्कशीट देने की मेरी इच्छा है, हालांकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है आपके लिए बड़ी है, लेकिन मैं इसके लिए एक वर्कशीट देके रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक है आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, इंजॉय मैथमेटिक्स, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स को बताइए, एंड देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। धन्यवाद, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।